ब्रॉक लेसनर को जब तक ग्रीन शीट नहीं मिलती है तब तक ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं करने वाले हैं WWE में। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाली हूं। वैसे मैं हमेशा ही ट्राई करती हूं आपके लिए हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट लाने की। यार एटलीस्ट सब्सक्राइब ना करो बट लाइक तो करके जाना। तो गाइस जैसा कि आप बहुत टाइम से सुन रहे थे ना कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे, अब रिटर्न करेंगे, बट क्या बोलूं गाइस, मुझे सोशल मीडिया पे इतना गुस्सा आता है ना, कुछ ना कुछ रूमर्स, हर टाइम ये रूमर्स ही रहता है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले यानी कि एक दो दिन पहले से यही बातचीत हो रही है कि अब ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं करने वाले हैं WWE में। लाइक जो ब्रॉक लेसनर के फैंस है उनको काफी बुरा लगेगा कि शायद अभी ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले हैं WWE। लाइक आप ऐसा समझ लो मे बी 2025 में ही दिखने वाले ब्रॉक लेसनर, आई गारंटी दैट। वैसे भी बहुत लोग अभी करंट टाइम में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को। जैसा कि आपको पता ही होगा कि समर स्लैम 2023 के बाद से ब्रॉक लेसनर एक बार भी नहीं दिखे टेलीविजन पे। तो करंटली डेब ने ये रिपोर्ट किया था कि जब तक कंपनी की तरफ से दिबिश को क्लीन शीट नहीं मिल जाता तब तक वो WWE में रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पहले ब्रॉक लेसनर के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशन लगा था और जब तक उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो रिजॉल्व नहीं होता तब तक ब्रॉक लेसनर आपको नहीं दिखने वाले हैं। लाइक आप वेट ही करते रहो, पता नहीं कब ब्रॉक लेसनर दिखेंगे, बट हमारे फेवरेट रोमन रिंग्स जरूर दिखने वाले हैं। रोमन रिंग्स को लेके करंट में तो ये न्यूज आ रही है कि रोमन रिंग्स जल्द इस बार के समर स्लैम में आपको डेफिनेटली दिखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजे शेल और कॉडी रोड्स के बारे में। तो गाइस जैसा कि कॉडी रोड्स को पूरे अच्छे तरह से सबक सिखाया था एजे शेल ने इस बार के स्मैकडाउन में, यार पता नहीं क्यों इसके पीछे क्या रीजन है बट कॉडी रोड्स जब मार खा रहे तो मुझे लिटरली काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वैसे ही करंट टाइम में कॉडी रोड्स लिटरली काफी ज्यादा बोरिंग है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए बट आप लोग जो देख रहे हो एक बात नोटिस करना, जो रोमन रिंग्स किए हैं अपने करियर में और वो जब जब रिंग में आते थे तो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करते थे, वैसे ही कॉडी रोड्स जब भी रिंग में आते तब भी सबको बोर करते हैं। इनफैक्ट आपने देखा ही होगा जो हुआ स्मैकडाउन में वो सब स्क्रिप्टेड था, लाइक कॉडी रोड्स का कुछ भी ओरिजिनल फॉर्म नहीं होता। आई नो मैं बहुत ज्यादा ही बायस हूँ रोमन रिंग्स को लेकर बट गाइस लिटरली मैं क्या करूँ, मुझे रोमन रिंग्स इतने अच्छे लगते कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक उनके वजह से मैं WWE देखना स्टार्ट की थी। वैसे भी अगर आपको रोमन रिंग्स से बेटर कॉडी रोड्स लगते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन आगे बात करते हमारे प्यारे डोरेमोन के बारे में यानी कि पॉल हेमन के बारे में। वैसे भी आप लोगों ने मेरे डोरेमोन का प्रोमो देखा ही होगा और डोरेमोन का प्रोमो देख के सभी फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शो के बाद भी सभी कोई ने काफी ज्यादा तारीफ की पॉल हेमन की। वैसे अगर आपको याद होगा, अगर आपने ठीक से देखा होगा स्मैकडाउन तो आपने एक पॉइंट नोटिस किया था जो केविन ओवेंस ने कहा था। केविन ओवेंस साफ साफ बोल रहे थे सोलो शिकवा और उनका चेला वो ब्लडलाइन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस सोलो शिकवा है और उनके दो चेले हैं, बस उनको ब्लडलाइन में इंक्लूड मत करो। वैसे गाइस जो भी बोलो सोलो शिकवा ने पूरा बर्बाद करके रखा है ब्लडलाइन को। रोमन रिंग्स कितने अच्छे से रखते थे अपने ब्लडलाइन को और कितने परफेक्टली लीड भी करते थे और गाइस करंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि मेरे डोरेमोन के ऊपर बहुत सारा बोझ दिया जा रहा है ब्लडलाइन का। लाइक वो जोकर सोलो शिकवा जो भी बोलता है वो करते जाते हैं पॉल हेमन बिना कुछ सोचे। यार वो भी क्या करे, वो भी काफी ज्यादा अफ्रेड हो जाते हैं सोलो शिकवा से जब वो ऐसा बिहेव करता है। तो लाइक जो बोलते हैं सोलो शिकवा उनको ब्लाइंडली फॉलो करते, जैसे उन्होंने बोला था कि उनका बात रोमन रिंग्स से हुआ है तो पॉल हेमन मान लिए थे। और गाइस ये देखो जोकर ने न्यू हेयर कट भी करवा लिया है करंट टाइम में। सोलो शिकवा मुझे काफी ज्यादा पसंद थे जब वो रोमन रिंग्स के साथ रहते थे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं निक ऑल्डिस के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप जानते हो स्मैकडाउन के GM इनका अभी मैनेजमेंट किए हुए लगभग हाफ एन ईयर हो चुका है बट फिर भी फैंस बोल रहे हैं कि वो उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना सोचे थे हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी बार्बी डॉल टिफनी शेटन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि टिफनी शेटन आपको अब हॉलीवुड में दिखने वाली है। लाइक WWE के बाद की प्लानिंग वो अभी से ही कर रही है कि जब WWE खत्म हो जाएगा तो मैं हॉलीवुड में चली जाऊंगी। तो गाइस देख लो अभी इनकी एज 25 इयर्स हो रही है लगभग, जब ये 30 साल की हो जाएगी तो ये आपको हॉलीवुड में दिखने वाली है। वैसे भी काफी ब्यूटीफुल है। ज्यादातर तो WWE रेसलर यही करते हैं, पहले रेसलिंग करते हैं फिर उसके बाद हॉलीवुड में चले जाते हैं जिनका लुक्स काफी अच्छा रहता है, जैसा कि आप द रॉक, जॉन सीना, रोमन रिंग्स सभी सुपरस्टार तो अभी हॉलीवुड में काम ही कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फेनोमेनन एजी शेल्स के बारे में यानी कि गाइस आज उनका बर्थडे है, जिसको भी इनको विश करना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। इस एज में भी इतना अच्छा परफॉर्म करना लिटरली काबिलिय तारीफ है। जिस तरह एजी शेल ने कॉडी रोड्स को मारा था उससे कॉडी रोड्स तो सबक सीख लिए है कि एजी शेल भी काफी तगड़े सुपरस्टार है। यार पता नहीं क्यों बट मैं कॉडी रोड्स का वो वाला फेस भूल ही नहीं पा रही हूँ जब वो एजी शेल को हग करते और इमोशनल हो जाते हैं। तो इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स WWE में देखने को मिलते हैं इसलिए तो मुझे इतना मजा आता है WWE करंटली देखने में। वैसे भी गाइस आपको मैं ज्यादा दिन तक यूट्यूब में नहीं दिखने वाली हूँ। लाइक मैं सोच रही हूँ मैं जब तक WWE देखने वाली हूँ तब तक वीडियो बनाने वाली हूँ, देन उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगी वीडियो बनाना। एज अ गर्ल मुझे लिटरली काफी अच्छा लगता है कि मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दूं WWE रिलेटेड, क्रिकेट का रिलेटेड। आई थिंक बहुत कम ही गर्ल
गर्ल्स होगी जो WWE का भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। गाइस आप बस बिलीव करो मेरे पे, मैं आपको हमेशा ऑल द कंटेंट टाइम पे दूंगी स्मैकडाउन और रॉ सब का। नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में बात करते हैं, वो है बैकी लिंच। तो रिसेंटली बैकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो WWE भी प्लानिंग करी है कि उनको कुछ बड़ा ऑफर किया जाए जिसके वजह से वो काफी टाइम तक WWE में दिखे। वैसे भी गाइस अगर आप पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस के बारे में बोलो तो बैकी लिंच लिटरली काफी अच्छा परफॉर्म करती है। आज का लास्ट स्टोरी लाइन के बारे में बोलो तो वो बात करते हैं एलए नाइट के बारे में। तो एक बार फिर से एलए नाइट टीज करते हुए दिखाई दे रहे करंट टाइम में लॉगन पॉल को। एलए नाइट जब भी टीज करते हैं लॉगन पॉल को सोशल मीडिया में तो लॉगन पॉल हंसते ही रहते हैं। वैसे भी गाइस आप लोग लॉगन पॉल का नेचर जानते हैं, वो लिटरली काफी फनी, उनको सब मजाक ही लगता है। आज के लिए इतना ही, आज मैं ट्राई करूंगी शाम में एक और वीडियो लाने का, बट आज शायद मेरा कुछ पार्टी में जाने का प्लान है। देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो शाम में एक और वीडियो आने वाला है, वरना कल है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।